Hello everybody, welcome to my channel called Tips and Talk. Today we are going to discuss about the toys which we require for a baby. जब मैं toys की बात करती हूँ तो सबसे पहले हमें ये importance देना चाहिए कि हम toy खरीदते क्यों हैं बच्चों के लिए और उसे कैसा होना चाहिए और कब कौन से toys को खरीदना चाहिए बच्चों के लिए। खासकर मैं यहाँ बात कर रही हूँ 0 से 2 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। मे भी ये वीडियो थोड़े थोड़े ब्रेकआउट्स में चलेगा क्योंकि अगर ये वीडियो लंबा हो जाता है और एज अ व्यूअर एज अ न्यू पेरेंट्स आप एक साथ 0 से 2 साल के बच्चे का पूरा टॉयज आप नहीं खरीद सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने बच्चे के लिए जो खरीदा है, मैं अपने बच्चे को टॉयज उसके एज के हिसाब से दिलाते चली गई हूँ और ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि बिना मतलब का आप स्टॉक क्यों करेंगे टॉयज को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगी कि आप अगर आपका बच्चा 0 से 3 मंथ्स के बीच का है तो आपको कौन सी टॉयज की आवश्यकता पड़ सकती है। इन माई व्यू आपको यहाँ पे जब बच्चा आपका इतना छोटा होता है तो आपको टॉयज़ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। यू जस्ट हैव टू गेट सम रैटल्स कॉल्ड, जिसको हम हिंदी में झुनझुना कहते हैं, ताकि आप बच्चे के रिफ्लेक्सेस को चेक कर सको। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आप सॉफ्ट टॉयज लो ताकि बच्चा कभी कभी उसके साथ खेले और दे आर नॉट हार्मफुल फॉर देम, दे आर नॉट डेंजरस, उससे उन्हें चोट नहीं लगती है। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट टॉय था और ये सिर्फ एज अ पेरेंट्स ही समझ सकते हैं, वो था एक नाइट लाइट प्रोजेक्टर। एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चा 3 महीने तक का होता है तो वो रात में सोता कम है या रात में ही जगता है। जनरली ये दिस इज़ द केस विद 80% ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा चीज़ चाहिए ताकि बच्चा अगर सोता नहीं तो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहे। आई बॉट नाइट लाइट प्रोजेक्टर, मैंने ऐसे ही सर्च किया एंड आई गॉट दिस। मैं इसका पिक्चर मैं आपको यहाँ पे लगा दूँगी, आप देख सकते हो, और इसकी वर्किंग भी मैं बताती हूँ। ये एक्चुअली एक तरह का प्रोजेक्टर होता है जो आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से आप उसको जोड़ दो या फिर उसमें बैटरीज भी आती है, बैटरी के थ्रू भी आप उसको यूज़ कर सकते हो विदाउट वायर। और ये क्या करता है कि आपकी सीलिंग पे ये पूरा प्रोजेक्ट करता है लाइट्स को, और उसमें एक और क्राइटेरिया दिया रहता है कि आप उसको मूव भी करवा सकते हो। एज अ देयर इज़ अ बटन उसको आप दबाने से वो मूव भी करता है चारों तरफ। जनरली देयर आर सन्स एंड स्टार्स इन द स्काई विथ लॉट ऑफ कलर्स इन इट। सो उससे क्या होता है कि बच्चा एक्चुअली एक बेड पे लेटा रहता है तो जनरली ऊपर देखता है 3 महीने तक, वो ज़्यादा मूव रोल तो करता नहीं है उस समय तक। तो आप उस समय उसे ये चीज़ के थ्रू डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो रात में अगर वो जगा भी रहता है तो वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है ताकि वो रोता कम है, और इससे एज अ न्यू पेरेंट्स आपको भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। सो ये हुए हमारे 0 to 3 मंथ्स के बच्चों के लिए टॉयज। अब मैं आगे बढ़ती हूँ 3 to 6 मंथ्स में। 3 to 6 मंथ्स में जब हम आते हैं तो यहाँ पे बच्चा 3 to 6 मंथ्स में बच्चा एक्चुअली थोड़ा सा रोल करता है, थोड़ा सा उसकी ग्रिपिंग पावर होती है, वो थोड़ा सा साइकिलिंग करता है अपने लेग्स से, लेग्स को मारता है, वो साउंड्स को सुनना शुरू कर देता है। तो उसके लिए मैंने एक टॉय विच वॉज ऑल इन वन, मुझे बहुत वर्थ लगा है, तो मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। ये टॉय का नाम था बेबी जिम एंड फिटनेस रैक। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज थे, पिक्चर आई विल शो यू हियर, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज थे जो हैंग किए हुए थे, और एक छोटा सा मैट था जिसपे बच्चे ले करके ऊपर अपने टॉयज को देख सकता है, वो हैंगिंग टॉयज देख सकता, उसको छू सकता है, मार सकता है। और सामने एक म्यूजिकल पियानो रखा था तो उसमें आप बच्चा पैर से मारता तो आवाज़ करता है। दैट्स हाउ दे गेट इंगेज इन दैट टॉय। ये एक इसका एडवांटेज है, ये एक तो इसका वर्किंग है। दूसरा इसका एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि आप इसको पूरी तरह से डिटैच कर सकते हो और सेपरेटली भी अपने बच्चे को दे सकते हो टू प्ले। इसका पियानो बहुत लॉन्ग लास्टिंग था, जो मेरे बच्चे ने बहुत बड़े होते तक भी उसके साथ खेला। सो दीज आर लाइक टू इम्पॉर्टेंट टॉयज विच आई, फर्स्ट वन वॉज फॉर 0 to 3 मंथ्स जो था वो नाइट लाइट प्रोजेक्टर, और दूसरा बेबी जिम एंड फिटनेस रैक। ये दो टॉयज मैंने सर्च किया और विच वॉज वेरी यूजफुल फॉर माई बेबी, तो मैंने इसे यूज़ किया। मे बी बच्चे अलग अलग तरह के, तो मे बी कुछ लोगों के लिए ये यूज़फुल नहीं, बट आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके बच्चों के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा हुआ 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए। नाउ विल गो फॉर 6 to 12 मंथ्स बेबी। यहाँ पे टॉयज़ का एक महत्व हो जाता है बच्चों की लाइफ में, और इसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, विच विल कम एज अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो।
सो थैंक यू फॉर एवरीबडी फॉर लिसनिंग मी एंड आई होप यू वुड बी लाइकिंग दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई बिहाफ एंड इफ देर इज सम ड्रॉबैक्स और समथिंग प्लीज कमेंट अस बिलो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ टॉक टिप्स एंड टॉक. थैंक यू वेरी मच.